सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 10 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स। It has taken from the subject Social Science, History, Our Past, Part 1. And we will learn and understand the topic from hunting, gathering to growing food in this worksheet. यानी कि इसमें हम समझेंगे कि किस तरह से जो early human being थे उन्होंने सबसे पहले अपना खाना किस तरह से वो लोग उनकी हैबिट कैसे थी खाना खाने की। तो वो क्या करते थे कि वो हंटिंग करते थे और अपना जो फूड है उसको गैदर करते थे यानी इकट्ठा करते थे और वहाँ से लेकर किस तरह से उन्होंने फूड को ग्रो करना सीखा, उसका प्रोडक्शन करना सीखा, इस वर्कशीट में हम इसी के बारे में जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। वी कॉल पीपल हु लिव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर्स अगो एज हंटर गैदरर्स। तो देखिए कि हम उन लोगों को जो कि आज से 2 मिलियन ईयर्स पहले इस सब कॉन्टिनेंट में रहने के लिए आए और उनको हम हंटर गैदरर्स के नाम से जानते हैं। हंटर गैदरर्स का मतलब कि वो हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और फूड को इकट्ठा करते थे, गैदर करते थे। द नेम कम्स फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। यानी ये जो नाम उनको मिला हंटर गैदरर्स, तो ये नाम उनको कैसे मिला? ये नाम उनको मिला वो जिस तरीके से अपना फूड को प्राप्त करते थे, अपने भोजन को प्राप्त करते थे, उसको जो है कहीं से इकट्ठा करते थे, उसके बेस पर ये नाम उनका पड़ा। जनरली दे यूज टू हंट वाइल्ड एनिमल्स, कैच फिश एंड बर्ड्स, गैदर फ्रूट्स, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स। तो देखिए वो क्या करते थे, आमतौर पर वो क्या करते थे कि जो वाइल्ड एनिमल होता था ना उसको हंट करते थे, उसका शिकार करते थे। कैच फिश एंड बर्ड्स मतलब बर्ड्स को पकड़ते थे और मछलियों को पकड़ते थे और कई सारी चीज़ों को इकट्ठा करते थे, जैसे फ्रूट्स हो गई, रूट्स, कुछ चीज़ें जैसे आपने भी देखा जैसे कैरेट होती है या रेडिश होती है, वो सारे रूट्स होते हैं ना। तो इस तरीके से वो रूट्स को इकट्ठा करते थे, नट्स को इकट्ठा करते थे, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स और एग्स को ना वो इकट्ठा करते थे खाने के लिए। दीज पीपल यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। और ये लोग क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह पर फूड और वाटर के सर्च में, फूड और वाटर की तलाश में इधर से उधर घूमते रहते थे। हंटर गैदरर्स यूज टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस, दैट इज प्लेस टू प्लेस। तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। देयर वर सेवरल रीजंस फॉर डूइंग सो। और इसके पीछे बहुत सारे कारण थे कि वो ऐसा करते क्यों थे। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 ऑल्सो। तो जब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे ना, ये उसका आंसर भी है, इसलिए आप इसको अभी ध्यान से समझिएगा कि इसमें आखिर है क्या। पॉइंट नंबर 1 इज ड्यू टू स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम दे वुड हैव ईटन अप ऑल द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल रिसोर्सेज, देयरफॉर दे would have had to go elsewhere in search of food। देखिए जब क्या करते थे, वो एक ही जगह पर रहते थे तो क्या होता था कि क्या हुआ होता होगा कि वो सारे प्लांट्स और एनिमल्स वहाँ के उन्होंने जो भी अवेलेबल थे उनको तो खा लिया, तो अब क्या होगा कि वहाँ पर बहुत उनकी कमी हो जाएगी प्लांट्स की और एनिमल्स की। तो इसलिए वो दूसरी जगह पर भोजन की तलाश में, फूड की सर्च में फिर वो दूसरी जगह जाते थे जब एक जगह उनके फूड का स्कैर्सिटी हो जाती थी, मतलब कमी हो जाती थी। फिर सेकंड इज एनिमल्स मूव टू प्लेस टू प्लेस, एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इधर इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैसल इन सर्च ऑफ ग्रास एंड लीव्स। इसका मतलब होता है कि जो एनिमल्स थे,
एंड भाई एनिमल्स भी तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जो और जो छोटे जानवर होते हैं उनका शिकार करने के लिए, जैसे लॉइन वगैरह है, अब वो तो दूसरे एनिमल्स को ही खाते हैं ना। अब जब एक जगह एनिमल नहीं मिलेगा वो दूसरी जगह जाएंगे। और ऐसे ही जो हिरन होते हैं या वाइल्ड कैसल का मतलब जो जंगली भैंसा होते हैं ना, तो वो भी तो ग्रास और लीव्स की सर्च में इधर से उधर जाएंगे, क्योंकि जब उन्हें खाना नहीं मिलेगा तो वो भी इधर से उधर घूमेंगे। तो दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट्स। तो जो उनका शिकार करते थे, किनका? एनिमल्स का, या जो डियर या वाइल्ड कैसल को हंट करते थे मैन जो, तो वो भी तो उनकी मूवमेंट के साथ साथ वो जहाँ जाते होंगे शायद वो भी वहाँ, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। थर्ड इज़ इन सर्च ऑफ सीजनल फ्रूट्स एंड प्लांट्स। और क्या करते थे? जैसे देखिए, हम सब जानते हैं कि फ्रूट्स और प्लांट्स जो हैं वो सीजनल होते हैं। जैसे कुछ जो है वो विंटर सीजन के होते हैं फ्रूट्स, और कुछ जो समर सीजन के होते हैं। दीज पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स। और ये जो लोग होते होंगे वो शायद इसीलिए एक सीजन से दूसरी सीजन की तलाश में, मतलब क्योंकि हर जगह तो आप देखिए इंडिया में तो डाइवर्सिटी है, कहीं पर विंटर का सीज़न होता है, कहीं पर समर का सीज़न होता है, उसी हिसाब से वहाँ पर प्लांट्स भी होते हैं। तो इसलिए वो इन सीजनल प्लांट्स की सर्च में वो इधर से उधर मूव करते थे ताकि उन्हें ये मिल पाए। एंड द फोर्थ वन इज़ वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ। हम सबको पता है कि जो पानी है वो हम सबके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। देयर इज़ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन सीजनल लेक्स एंड रिवर्स। और हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारी जगह पर जो रिवर्स और लेक्स होती हैं वो सीजनल होती हैं, यानी जब बारिशें होती हैं या सीज़न होता है तब तो वो उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, फुल ऑफ वाटर होती हैं वो, नहीं तो उनमें स्कैसिटी ऑफ वाटर का मतलब पानी की कमी होती है। तो दे वुड हैव टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर। तो शायद वो पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे। Thus we see that hunter gatherers move from place to place to fulfill the basic needs of life like food and water. तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो hunter gatherers थे वो एक स्थान से दूसरी जगह पर इसलिए जाते थे ताकि वो अपने food and water वाली basic ज़रूरतों को, basic needs को पूरा कर पाएँ। सो नाउ वील मूव ऑन आर क्वेश्चन आंसर सेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है और अभी मैंने आपको बताया भी है। क्वेश्चन नंबर वन इज़ वाई डिड हंटर गैदरर्स यूज टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इसका आंसर बहुत ईजी है ना, अभी हमने बहुत डिटेल में समझा है, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। दिस इज़ द आंसर नंबर वन, और आपको ये फोर पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। अगर आपको बहुत आंसर बड़ा लगता है तो आप एनी टू पॉइंट्स इसमें लिख सकते हैं कि भाई वो क्यों जाते थे, वो सारे प्लांट और एनिमल एक जगह पर खा जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, इसलिए वो उसकी सर्च में जाते थे। दूसरा कि क्योंकि एनिमल्स प्लेस टू प्लेस मूव करते थे तो उनको हंट करने के लिए वो भी इधर से उधर जाते थे। थर्ड इज़ वो सीजनल फ्रूट और प्लांट्स की सर्च में इधर उधर जाते थे क्योंकि हर सीजन के हिसाब से हर जगह प्लांट एंड फ्रूट्स होते हैं। फिर वाटर की सर्च में भी, क्योंकि वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए वाटर इन सर्च ऑफ वाटर वो इधर से उधर मूव करते थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर टू इज़ वाई आर हंटर गैदरर्स कॉल्ड बाय दिस नेम। द आंसर इज़ वी कॉल पीपल who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago as hunter-gatherers because a name comes from the way in which they got their food, यानी वो जिस तरीके से अपना फूड इकट्ठा करते थे, प्राप्त करते थे, उसके हिसाब से उनका ये नाम रखा गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह इजी वे में इस वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम COVID-19 दैट इज़ कोरोना वायरस, देन टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19 वेयर आ मास्क, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।